welcome back again on my YouTube channel Learning Time. How are you all? I hope आप सब अच्छे ही होंगे. तो आज हम पढ़ेंगे different shapes के बारे में. Shapes कई तरह की होती है, जैसे square, rectangle, cube, cuboid, cone, cylinder, sphere. तो आज हम जो 3D shapes होती है, cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, pyramid भी होता है, पिरामिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज हम पहले इन 5 शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे फर्स्ट शेप है क्यूब. क्यूब क्या होता है? क्यूब में सबसे पहले देखो फेसेस क्या होते हैं, एज क्या होता है और वर्टिसेस क्या होते हैं. ये क्यूब है. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और बैक वाला 6. तो जैसे आप अज्यूम कर सकते हो ये क्यूब है. क्यूब के कितने फेसेस हो गए? टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट. 6 फेसेस हो गए. फेसेस हो गए उनका फ्लैट सरफेस, जितने भी उनके फ्लैट सरफेस हैं वो सारे फेसेस हो गए. अब बात करते हैं एज की. एज क्या होते हैं? एज होती है लाइंस, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये वाली तो हम काउंट कर चुके हैं ना, 11 और 12 नीचे वाली. कितने? 12 इसकी लाइंस हो गई, एजेस हो गई. आप इन लाइंस को काउंट कर लो, जितनी भी लाइंस है वो सारे एजेस हो गए. एजेस मतलब उनमें लाइंस. नेक्स्ट है वर्टिसेस. वर्टिसेस या वर्टेक्स, वर्टिसेस प्लूरल हो गया और वर्टेक्स सिंगुलर हो गया. कितने वर्टेक्स? वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर्स, जहाँ पर एच मिलते हैं. कितने? 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स ये हो गए. 5, 6, 7, 8 एट कॉर्नर्स हो गए. तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूब शेप में. आप उसके बाद है क्यूबॉइड शेप. क्यूबॉइड शेप में आप जैसे शू बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हो या मैच बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मेरे पास एक मैच बॉक्स है, मैं मैच बॉक्स से बताती हूँ. क्यूब में तो क्या था, जितने भी फेसेस हैं सारे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है. बट क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट होते हैं. तो जैसे ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग है. इसमें भी सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट. इसके जो फेसेस की लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो डिफरेंट है, कॉमन ही है. इसमें फेसेस 6 है, एच 12 है और वर्टिसेस 8 है. बट डिफरेंस क्या है, इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है. आप इसी तरह जैसे आपने क्यूब के काउंट किए हैं, इसी तरह आप क्यूबॉइड के भी काउंट कर सकते हैं. क्यूब फर्स्ट जो फ्रंट फेस, ये बैक फेस, लेफ्ट और राइट वाला और ऊपर और नीचे का. तो कितने? 6 फेसेस हो गए. और ये लाइंस काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. 12 लाइंस हो गई. तो एजेस हो गए इसके 12. नेक्स्ट है वर्टिसेस. वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कॉर्नर है, 8 वर्टिसेस हो गई. नेक्स्ट शेप है कोन शेप. कोन शेप, आप कोन शेप का एग्जांपल जैसे आप आइसक्रीम कोन अज्यूम कर सकते हो. आइसक्रीम कोन में क्या होता है, 2 फेसेस हो गए और इसमें ये जहाँ पर ये एजेस ज्वाइन हो रहे हैं, ये एक वर्टेक्स हो गया और एक एज हो गया. तो इसमें कोन में कितने हो गए? 2 फेसेस, एक एज एंड एक वर्टेक्स. सिलेंडर, सिलेंडर शेप किसको मिलके बना है? एक रेक्टेंगल है और ऊपर 2 सिलेंडर है. एक रेक्टेंगल और 2 सिलेंडर को ज्वाइन करके, नहीं सॉरी, 2 सर्कल्स को और एक रेक्टेंगल को ज्वाइन करके एक सिलेंडर बन गया ना. तो बीच में एक तो ये रेक्टेंगल फेस हो गया, 2 सर्कल्स हो गए. कितने फेस हो गए टोटल? 1, 2, 3 3 फेसेस हो गए. एंड इसमें एजेस कितने हैं? एजेस 1 और 2 2 एजेस हो गए. एंड इसमें कॉर्नर तो कोई है ही नहीं, तो 9 वर्टेक्स आ जाएगा, 0 वर्टेक्स. नेक्स्ट शेप इज स्फेयर. स्फेयर शेप में जैसे आप बॉल ले सकते हो, कोई
या फुटबॉल ले सकते हो या ग्लोब का एग्जांपल ले सकते हो, वो भी एक स्फीयर है। तो इसमें आपको कोई वर्टेक्स या एज नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं है ना, तो इसमें कोई भी एज नहीं है, कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ओनली एक सिंपल एक फेस है। तो स्फीयर हैज ओनली वन फेस, नो वर्टेक्स एंड नो एज। आई होप आपको ये सारी शेप्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।